हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो है आपके लिए वीडियो थोड़ी सी अलग रहेगी, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिला है आज तक। और ये स्पेशली जो वीडियो रहने वाली है, वीडियो रहेगी आपके पास अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और स्पेशली पेपर टू में पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास है। इसके अलावा आपके लिए ये वीडियो रहेगी अगर आप जो है कर रहे हो पीजीटी की तैयारी, और पीजीटी में आप स्पेशली अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो उसके लिए ये आपकी बेसिकली जो है रहने वाली है। और इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं कुछ एक प्रयास कर रहा हूँ, जो आपके पास अगर यूजीसी आपने नेट दिया है पॉलिटिकल साइंस की, अगर आपने बुक देखी होगी, राजेश मिश्रा आपके लिए बेस्ट ही रहती है जहाँ तक मुझे पता है। हालांकि ओपी गावा इस तरह की जो है कुछ एक बुक्स के अलग अलग नाम हैं, मैं आपको बुक्स के नाम नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी बुक आपने फॉलो करनी है। मैंने क्या किया है, मैंने प्रयास किया है अपनी ओर से कि इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ कोशिश की थी आपके जो है नेट के जो है नोट्स बनाने की, और उस नोट्स को बनाने का मेरा पर्पस क्या रहा, नोट्स को बनाने का जो है मेरा मेन एम क्या है, और इस वीडियो को जो है आपके लिए लेकर आने का क्या एम है। कि मुझे ये थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं जो है इन बुक्स को पढ़ना जो है कहीं ना कहीं हेडेक वाला काम है, और याद करना काफ़ी जो है मुश्किल है। अगर आप सुबह पढ़ते हो तो शाम को भूल जाता है, शाम को पढ़ लिया तो सुबह तक आपको याद नहीं रहता। तो ऐसे में मैंने नोट्स बनाए हैं, और नोट्स मैंने दो तीन मेथड से बनाए हैं। पहला मेथड आज आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर जो है इस वीडियो के रिव्यू और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये पूरा आपको जितने मैंने नोट्स बनाए हैं अपना मैं एक स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूँ कि किस तरह से इन चीज़ों को याद किया जा सकता है, कैसे इन चीज़ों को जो पढ़ा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पहला एक रिव्यू इस वीडियो में दे रहा हूँ कि नोट्स का जो है पहला मेथड मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा जो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है, जो प्रीवियस एग्जाम में पहले पूछे गए हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल में, और इसके अलावा पीजीटी के जो एग्ज़ाम हुए हैं अलग अलग स्टेट के, चाहे उत्तर प्रदेश के प्री में भी आपके देखने को मिला है, जो उत्तर प्रदेश का प्री आपका एग्ज़ाम होता है, यूपी का, उत्तराखंड का जो प्री होता है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें भी पीसीएस का प्री, आईएएस का जो प्री है, वहाँ से ये मैंने आपके जो है क्वेश्चन उठाए हैं वन लाइनर, और उसको जो है एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। चीज़ों को दो तीन बार घुमा फिर आके देखेंगे, देखते हैं कि आपको याद कैसे नहीं होता, ठीक है। तो पहला मेथड इसमें यूज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट वन लाइनर को लेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए थे, वहाँ से प्रश्न को जो है सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मेथड रहेगा मेरा, मैंने जैसे कि मान लीजिए कि रूसो की हम बात कर रहे हैं, तो रूसो के बारे में एक बार कंप्लीट मैं बता दूंगा कि रूसो कौन था, कौन से इसने ग्रंथ लिखे, और कैसे जो है रूसो ने अलग अलग चीज़ों पर अपने अपने विचार दिए, और क्या क्या जो है किसने इसको टाइटल दिए है, सेबाइन ने इसके विषय में क्या कहा, आपके जो है अलग अलग जो मैक्सी है, मैक्सी इसके विषय में क्या कहता है, ये सारी चीज़ें उस एक अलग स्ट्रेटेजी में लेकर आएंगे। पहले इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखेंगे, और छोटी सी मैं अपनी ओर से वीडियो ये बनाऊंगा। छोटी सी का मतलब नहीं है कि बिल्कुल छोटी सी, कम से कम आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, स्पेशली अगर यूनिट टू आपके लिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा टफ रहता था, बेसिकली मेरे लिए भी आपके लिए टफ ही है, तो अभी जो है यूनिट टू से हम इसको देखेंगे। हालांकि यूनिट वन और वैसे आपका पूरा इसमें कवर हो जाएगा क्योंकि वन लाइनर है, तो लेकिन फोकस आपका यूनिट टू पर रहेगा। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम का, किसी का ये है, अब सभी का नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि इस एग्जाम में ये देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न है आपके पास, आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत के जनक आपके कौन है। हिंदी में रहेगी ये वीडियो, स्पेशली इंग्लिश वालों के लिए हो सकता है ये बेनिफिट ना हो। तो आधुनिक संप्रभुता का जो ये क्या प्रश्न पूछा गया था, अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर अपना रिवेल्युएशन कर सकते हैं, आप रिविजन आप इसको समझ लीजिए। आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत के जो जनक आपके कौन है, तो कौन है, जीन बोदा है, इंपॉर्टेंट है। और जीन बोदा कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ये प्रश्न बनता है। और जीन बोदा के अकॉर्डिंग, जीन बोदा एक चीज़ क्या कहते हैं कि जो संप्रभुता है, संप्रभुता जो है नागरिकों तथा प्रजाजनों पर जो राज्य की सर्वशक्ति है जो कि कानून के नियंत्रण से परे है, ये किसका मानना है, जीन बोदा का। जीन बोदा ने किसके विषय में कहा, आधुनिक संप्रभुता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रभुता का जो कानूनी सिद्धांत है उसको सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, आपको क्या पता लगा अभी तक कि आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत के जो है जनक कौन है, तो जीन बोदा है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संप्रभुता का जो कानूनी सिद्धांत का सर्वप्रथम जो है किसने जो है सिद्धांत दिया था, तो ये दिया था थॉमस हॉब ने, इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर हो सकता है कि आधुनिक संप्रभुता पता है तो आपके पास ये नहीं पता होगा कि संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत अंदर जाकर किसने दिया था, तो आपके सर्वप्रथम दिया था थॉमस हॉब ने, इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहेगा, ये चीज़ आप थोड़ी सी इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, अगला क्या प्रश्न देखने को मिला, लेवियाथन किसकी रचना है। अब मैंने क्या कहा कि संप्रभुता का जो कानूनी सिद्धांत है किसने दिया, थॉमस हॉब ने। अब मैंने यहाँ लेवियाथन क्यों आपको कहा, लेवियाथन एक जो है रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो ये थॉमस हॉब की ही रचना है, इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसके अलावा अगला प्रश्न अगर आप देखिए,
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जंबल लेके चल रहा हूँ। जंबल का मतलब कि मिक्स यहाँ पे कर रहा हूँ, एक एक चीज़ें अभी आपको बता रहा हूँ, बाद में हम इनको एक साथ इकट्ठी कर देंगे कि थॉमस शॉप क्या है और ये जो है क्या क्या चीज़ इसके साथ हुई आपके पास। आगे इसको हम डिटेल में चलेंगे, इसको क्रॉस हम करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बेस बना रहा हूँ वन लाइनर करके, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि किसने कहा कि संपत्ति शक्ति का स्रोत है। ये किसने कहा, डायरेक्ट जो है प्रश्न क्या पूछा गया था कि किसने जो है संपत्ति को शक्ति का स्रोत आपके कहा था, तो किसने कहा था, मैकियावेली ने। अब मैकियावेली की अगर आप बात करें तो मैकियावेली की रचना है एक, क्या नाम है उसका, द प्रिंस। इंपॉर्टेंट है, प्रिंस किसकी रचना है, मैकियावेली की, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक चीज, दूसरी चीज देखिए, एक प्रश्न क्या बना कि संपत्ति शक्ति का स्रोत है, किसने कहा, मैकियावेली ने कहा, इसकी रचना प्रिंस। इसके अलावा जो इसको जो है अपने युग का शिशु कहा जाता है, तो किसे जो है अपने युग का शिशु कहा जाता है, मैकियावेली को। किसने कहा था, डनिंग ने। इंपॉर्टेंट है ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी याद रखेंगे। अब देखिए, अपने युग का शिशु, एक ये वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको मैं अब कोशिश करता हूँ आपको क्रॉसेस को करने की। अपने युग का शिशु किसे कहा था, अपने युग का शिशु कहा जाता है मैकियावेली को। लेकिन प्रकृति का शिशु किसे कहा जाता है, रूसो को। किसने कहा था, मैक्सी ने। और अपने युग का शिशु मैकियावेली को किसने कहा था, डनिंग ने। ये प्रश्न एग्जाम में पहले पूछे गए, इनको जो है याद करने का सबसे बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से यही है, जो मुझे खुद लगा कि इस तरह से इन चीज़ों को याद रखा जा सकता है, तो इस तरह की करेंगे। अभी आपको जो है इसको क्रॉस चेक करूंगा। हम बात कर रहे थे कि संपत्ति का शक्ति स्रोत है, संपत्ति जो है शक्ति का स्रोत है, ये आपके किसने कहा था, मैकियावेली ने। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, डनिंग ने कहा था। और मैकियावेली के अनुसार ही, मैं अकॉर्डिंग टू मैकियावेली हम कहेंगे, एक स्टेटमेंट इनकी देखिए क्या है कि मनुष्य जो क्या है, एहसान, फरामोश, सनकी, धोखेबाज, डरपोक और लालची होते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि किसने जो है मनुष्य को एक एहसान, फरामोश, सनकी, धोखेबाज और डरपोक और लालची कहा था, तो किसने कहा था, मैकियावेली ने। इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। इसके अलावा जी इनके क्या है कि इनके अनुसार और क्या है, शक्ति, संपत्ति जो है शक्ति का स्रोत है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा, मैकियावेली यहां तक कह देता है, क्या कहता है कि लोग जो है अपने पिता की मृत्यु को जो भूल सकते हैं, लेकिन जो है वो संपत्ति की हानि को जल्दी जल्दी नहीं भूल पाते। तो ये भी किसका मानना है, मैकियावेली का। तो मैकियावेली से हो सकते हैं यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, घुमा फिरा के बनेंगे। बाकी आगे भी हम बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा और रिव्यू ले लेते हैं। अब देखिए, रूसो के ऊपर हम आए थे कि रूसो को जो है प्रकृति का शिशु कहा जाता है। अब रूसो से ही संबंधित है, रूसो की जो सामान्य इच्छा है, जो आपने देखिए जर्नल जो आपके पास, जो आपके पास है, तो ये आपने देखना कि आपके पास जो सामान्य इच्छा है वो किससे संबंधित है, रूसो से संबंधित है। अब सामान्य इच्छा एक्चुअल में है क्या, रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सामान्य रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा क्या है, सामान्य जो आपके पास हित है उनकी आपकी जो है इच्छा है, कौन सी, सामान्य इच्छा। सामान्य हित कौन से, सामान्य हित सभी के लिए जो हित आपके किए जाते हैं, सामान्य हित ही रूसो की सामान्य इच्छा है, ये आप इसको समझ लीजिए इस तरह से। अब जो सामान्य इच्छा को सिद्धांत है रूसो ने किस में दिया, यानी कि किस पुस्तक में आपके देखने को मिलता है। एक फैक्ट तो आपको ये पता लग गया कि आपकी जो है सामान्य इच्छा है वो किसने दी थी, तो आपकी रूसो ने दी थी। और सामान्य इच्छा एक्चुअल में है क्या, सामान्य हित की इच्छा ही आपकी सामान्य इच्छा है। दूसरी बात, तीसरी बात जो है, सामान्य इच्छा की जो बात जो रूसो करते हैं वो किस बुक के अंदर करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो पुस्तक का नाम पूछा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, रूसो की रचना है। उसमें अंदर क्या देखने को मिलता है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत इसी के अंदर आपके देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को लेकर चलेंगे। इसके अलावा जो रूसो की एक जो स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट क्या है, कई बार एग्जाम में पहले ये पूछी गई है, और वो स्टेटमेंट क्या है कि मनुष्य क्या है, स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, ऐसा मानना किसका था, ये आपके रूसो का मानना था। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे आप देख लेते हैं। आगे आपके पास प्रश्न है, आप कौन सा, ये रहेगा आपके पास कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये किसका विचार है। देखिए, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ध्यान से समझना, ये विचार किसका है, अराजकतावादियों का विचार है। अब अराजकतावादियों का विचार है, लेकिन जो है राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये मानना किसका था, यानी कि मान्यता किसकी है, मान्यता ये व्यक्तिवाद की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब व्यक्तिवादी जो विचारधारा है वो राज्य को क्या है, एक आवश्यक बुराई मानते हैं, अनावश्यक नहीं मानते, आवश्यक मानते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे, कंटिन्यू इसको करेंगे, बाकी चीज़ों को अभी और हम इसको लेने वाले हैं बहुत से, अभी जो कम से कम इसमें जो आपके पास बहुत कंटेंट है, जितना पॉसिबल हो पाएगा, जब तक मैं नहीं थक जाता एक्सप्लेन करते हुए तब तक इसको करते रहेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आपके पास है प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय क्या है,
प्लेटो ने जो है न्याय सिद्धांत, या सभी ने पढ़ा होगा प्लेटो यूनिट टू में आपके देखने को मिलता है। तो यूनिट टू में देखना आपने क्या कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसके अनुसार न्याय एक्चुअल में है क्या। तो न्याय क्या है, गुणात्मक और विशेषज्ञता में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय आपके है, ये प्लेटो के अनुसार ऐसा माना गया है। आगे चलेंगे फासीवाद के जनक। फासीवाद काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो फासीवाद के जनक आपके कौन माने जाते हैं, मुसोलिनी आपके माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और मुसोलिनी के अनुसार जो है राज्य क्या है, राज्य न्याय और सद्गुण का प्रतीक जो है मानते हैं कौन, मुसोलिनी। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने जो है राज्य को न्याय और सद्गुण का प्रतीक माना है तो किसने माना है, मुसोलिनी। और मुसोलिनी आपके क्या है, फासीवाद के जनक, इंपॉर्टेंट है। और मुसोलिनी ने यहां तक कहा कि राज्य के बाहर कुछ नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि राज्य के देखिए कितनी वो ऊंचाई तक लेकर गए कि क्या कहते हैं कि राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं है और इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फासीवाद की, जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फासीवाद का जो है उदय है प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपकी कहां पर देखने को मिला, तो इटली में प्रथम आपके फासीवाद का उदय देखने को मिलता है। इसके अलावा फासीवाद की अगर बात की जाए तो फासीवाद क्या है, उग्र राष्ट्रवाद का एक उपासक है, यह चीज आपने याद रखनी है। मुसोलिनी ने क्या किया कि मार्च 1919 में इटली में फासीवाद पार्टी की स्थापना की थी और जिसका जो एकमात्र उद्देश्य क्या था, इटली की पूर्व प्रतिष्ठा को जो है स्थापित करना था। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, स्टोरिया मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं मेथड बता रहा हूं कि जो चीजें डायरेक्ट आ सकती है एग्जाम में या किस मेथड से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, किस मेथड से इसको लर्न कर सकते हैं, वो चीजें आपको मैं बता रहा हूं। आगे चलेंगे मार्क्सवाद की बात करते हैं। मार्क्सवाद की, तो मार्क्सवाद में क्या देखने को मिलता है कि मार्क्सवाद का जो प्रमुख संशोधनकर्ता है तो कौन है, तो ये आपने बताना है। तो ये आपके जर्मनी के जो एडवर्ड बर्नस्टीन है, जिसकी जो पुस्तक है जिसका नाम है आपके पास इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, 1902 में जो है इसे जो है विकासवादी समाजवाद का अन्य नाम भी दिया जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना। और यहाँ पे प्रश्न क्या है कि 1900 शताब्दी में आपके पास 1900 शताब्दी के जो उत्तरार्ध की अगर हम बात करें तो मार्क्स और एंजेलिन के जो वैज्ञानिक समाजवाद को संशोधित करने वाले इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। कौन है, जर्मनी का एडवर्ड बर्नस्टीन, इसने जो इसको जो क्या किया, इसमें जो है मार्क्सवाद में इसने जो प्रमुख संशोधन इसमें किए थे जो कि किसकी थी, तो 1900 शताब्दी के उत्तरार्ध में जो आपके मार्क्स और एंजेल के जो है वैज्ञानिक समाजवाद को संशोधित किसने किया था, तो किसने किया था, जर्मनी के एडवर्ड बर्नस्टीन ने। इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि मार्क्सवाद किसने दिया था, मार्क्स और एंजल्स, ये दोनों आपके फ्रेंड थे तो इन्होंने ये दिया था। मार्क्स बाद में जिनकी मृत्यु आपकी हो गई थी उसके बाद जो इसका आगे का जो काम है वो एंजल्स आपके जो है उनके द्वारा ये संभाला गया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे और है आपके पास वन लाइनर में प्रश्न था, प्रश्न क्या था कि लेक्चर ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस, इंपॉर्टेंट, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस किसकी रचना है, तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस किसकी रचना है, तो ये ऑस्टिन की आपकी रचना है। और ये कब आपकी पब्लिश की गई थी, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो 1832। तो अगर आपसे पूछा जाए लेक्चर्स ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस किसकी रचना है, ऑस्टिन की, कब ये पब्लिश की गई थी, 1832 में, इंपॉर्टेंट है। आगे आपके पास है, इसमें ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पुस्तक में जो है ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो किसमें किया है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस। और अगर हम संप्रभुता की बात की जाए तो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया है कि आधुनिक संप्रभुता किसने दी थी आपके पास, और संप्रभुता का जो कानूनी सिद्धांत है किसने दिया था, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया। अब चीजों को रिलेट करना आप शुरू कर दीजिए, राइट। अब देखिए ऑस्टिन और क्या कहते हैं, ऑस्टिन कहते हैं कि उच्चतर द्वारा जो है निम्नतर को जो दिया गया आदेश ही कानून है। तो कानून संबंधी इन्होंने कुछ कहा, ऑस्टिन ने क्या कहा कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को जो दिया गया जो आदेश है वही आपके जो है कानून है। तो ये भी किसने कहा था, ऑस्टिन ने आपके ये कहा था। आगे चलेंगे, आगे आपके पास है सामाजिक समझौते का सिद्धांत का विकास हुआ था, तो कब हुआ था, शताब्दी आपने बतानी है, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये देखने को मिला था। और सामाजिक समझौते की अगर बात की जाए तो सामाजिक समझौते में जो आपके पास इंग्लैंड के जो हॉब्स और लॉक है तथा फ्रांस के जो आपके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के रूसो, ये आपके जो इसके समर्थक आपके प्रबल आपके समर्थक इसके देखने को मिलते हैं, समर्थक कह लीजिए, पक्षधर आप इसको कह लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक समझौते का सिद्धांत का विकास कब देखने को मिलता है, 18 आपकी जो है सेंचुरी में देखने को मिलता है। और इसके प्रबल पक्षधर आपके कौन माने जाते हैं, तो इंग्लैंड के हॉब्स, लॉक और रूसो, जो कि रूसो कहाँ थे, फ्रांस के आपके देखने को मिलते हैं, तो इनको माना जाता है। और इसके जो कटर जो आलोचक कह लीजिए तो कौन थे, तो आपकी इसमें जर्मी बेंथम थे। क्यों, जर्मी बेंथम की एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा, जर्मी बेंथम जो अधिकारों को क्या है वो आपके जो है अहंकारिक जो है बकवास इन्होंने कहा था, तो यानी कि वो उसको बिल्कुल भी नहीं मानते थे। तो आपके जो है
ये थोड़ा सा फैक्ट आपने याद रखना। बाकी जर्मी बेंथम से अभी और प्रश्न हम देखने वाले हैं, तो अभी आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके पास जॉन लॉक की प्रमुख देन है। तो जॉन लॉक कौन है, तो जॉन लॉक आपके एक तो उदारवाद, आपके जो आपने सुना होगा उदारवाद का पिता किसे माना जाता है, जॉन लॉक को माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है जॉन लॉक की अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या चीज आपकी दी थी, तो जॉन लॉक द्वारा दिया गया था आपके आपके पास जन सहमति का सिद्धांत। तो जन सहमति का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन लॉक ने यह दिया था, जो कि आपके उदारवाद के पिता भी आपके माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लॉक को जो आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का द्वितीय जनक भी माना जाता है, तो जॉन लॉक से रिलेटेड आपने ये भी याद रखना कि किसे जो आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का द्वितीय जनक माना जाता है, तो जॉन लॉक को आपके ये माना जाता है। मैंने क्या कहा, द्वितीय जनक। अगर प्रथम की हम बात करें तो प्रथम आपके कौन माने जाते हैं, प्रथम की बात की जाए तो प्रथम कौन माने जाते हैं, तो प्रथम माने जाते हैं मैकियावेली, और मैकियावेली के विषय में हमने पहले डिस्कस कर लिया था, मैकियावेली की रचना भी हमने देख ली है। मैकियावेली की अगर हम बात की जाए तो मैकियावेली से संबंधित और भी फैक्ट हमने देखे थे कि आपकी जो कौन सी रचना थी और मैकियावेली को किसने जो है उसको अपने युग का शिशु कहा था, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर ली। अब इसको आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए, राइट। आगे चलेंगे, आगे आपके पास है जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के माध्यम से निरंकुश राज्यों के स्थान पर जो है क्या किया, सीमित सत्ता वाले राज्य के स्थान का प्रतिपादन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने जो है सामाजिक समझौते के माध्यम से निरंकुश राज्यों के स्थान पर जो है सीमित सत्ता का जो है सीमित सत्ता के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, तो आपके जॉन लॉक द्वारा किया गया था। और जॉन लॉक ने ही जो एक और जॉन लॉक से संबंधित एक और क्या है कि जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, और जहां विधि समाप्त होती है वहीं से अत्याचार शुरू होता है। तो ये भी किसका मानना था, जॉन लॉक का ये मानना था। हॉब्स की बात करते हैं, हॉब्स की बात हमने पहले भी कर दी थी, थोड़ी सी और कर लेते हैं। हॉब्स ने जो आपके पास धर्म का जो आधार है वो स्पष्ट किया है, तो किसे स्पष्ट किया है, तो ये किया है आपके पास अदृश्य शक्तियों का जो है आपके पास भय है, इसे जो है क्या है हॉब्स ने धर्म का जो है आधार स्पष्ट किया है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हॉब्स का प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इसके अलावा बात की जाए आपके पास हॉब्स ने जो राजा के निरंकुश राजतंत्र को न्यायोचित ठहराने के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये फैक्ट भी आपके थोड़े से याद रखने जरूरी है। आगे चलेंगे, आगे इसमें देखिए बेंथम के विषय में हम बात कर लेते हैं। बेंथम आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेंथम जो है आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, एक तो आपके पास सुखवादी जो दर्शन का आधार है वो क्या है, सुखवादी दर्शन का जो आधार क्या है, एक प्रश्न डायरेक्ट ये बनता है। तो सुखवादी दर्शन का जो आधार है क्या है, तो यह है आपके पास उपयोगितावाद, इंपॉर्टेंट है। सुखवादी दर्शन का आधार क्या है, उपयोगितावाद, और उपयोगितावाद की अगर बात की जाए तो इसका प्रतिपादन किसने किया, तो आपके पास किसने किया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो आपके पास बेंथम ने, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेंथम ने यहां तक कहा कि प्रकृति ने जो है मानव जाति को जो दो प्रभुता संपन्न स्वामियों के अधीन रखा है, और वो दो प्रभुता संपन्न स्वामी कौन कौन से है, वो है आपके पास दुख और सुख। और बेंथम की अगर बात की जाए तो बेंथम ने क्या है, सुख दुख में मात्रात्मक अंतर किया, यानी कि सुखवादी दर्शन का ही आपके प्रवर्तक तो ये है, लेकिन इसने क्या है सुख और दुख में जो है मात्रात्मक अंतर किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेंथम यहाँ तक कहता है कि पुष्पिन उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक काव्य, यानी कि एक व्यक्ति और एक मत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, ये किया गया आपकी बेंथम द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस दार्शनिक ने एक मत एक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, यानी कि एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो बेंथम ने किया, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब देखिए बेंथम की हमने बात की कि सुखवादी आपके ये थे, और इसमें जो है क्या किया इन्होंने, सुख और दुख में मात्रात्मक अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब प्रश्न एक बार और ये भी बनता है यहीं से, क्या प्रश्न बनता है कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है, जो सुखवादी दर्शन का आधार क्या बना, उपयोगितावाद, किसने दिया, बेंथम ने। अब यही जो बेंथम का उपयोगितावाद है इसमें संशोधन करने वाले दार्शनिक आपके कौन थे, उनका नाम है जे एस मिल। अब जे एस मिल की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे आपके जो बेंथम है, बेंथम क्या मानते हैं, एक व्यक्ति एक मत का स्थान, वहीं जो जे एस मिल है, जे एस मिल क्या मानते हैं कि सार्वजनिक जो मताधिकार की ये विरोधी थे, इनका मानना था कि जो व्यक्ति आपके शिक्षित है उन्हीं को मताधिकार दिया जाना चाहिए, सिर्फ इस बात के समर्थक ये थे। दूसरी बात इन्होंने क्या है, एक तो आपका ये हो गया कि एक मत जो एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने दिया, बेंथम ने दिया, और इसी बात को जेम्स मिल के इसको जो क्या है उसको अस्वीकार करते हैं, और इनका मानना था कि सार्वजनिक मताधिकार जो है नहीं दिया जाना चाहिए, जो व्यक्ति शिक्षित है उसको ही मताधिकार दिया जाना चाहिए, ऐसा मानना जेम्स मिल का। दूसरी बात बेंथम क्या मानते हैं, बेंथम ने जो है सुख दुख का जो आपके सिद्धांत दिया ये आपके मात्रात्मक दिया, जिसका जो आधार क्या था, जिसका आधार राजनीतिक था,
इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसी तरह जेएस मिल ने क्या है, सुख दुख में मात्रात्मक अंतर तो किया, लेकिन मात्रात्म के साथ मात्रात्मक के साथ इसने गुणात्मक अंतर भी किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास मात्रात्मक अंतर किसने किया, तो आपके मात्रात्मक अंतर किया था बेंथम ने, लेकिन इसमें गुणात्मक अंतर किसने किया, गुणात्मक अंतर किया था आपके जेएस मिल ने। तो ये भी सुख दुख के सिद्धांत से ही संबंधित है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज और याद रखनी है जो मैंने आपको कही कि बेंथम ने जो इसका जो है मात्रात्मक तौर पे जो इसमें जो है क्या कीजिए अंतर जो दिया था सुख दुख में मात्रात्मक तौर पे वो किया था राजनीतिक, लेकिन जो आपके जेएस मिल है, जेएस मिल जो इसमें गुणात्मक भी करते हैं साथ में, तो वो उसने नैतिक आधार पर किया था। तो ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आगे चलते हैं, आगे अधिकार से संबंधित आपके प्रश्न है कि अधिकार जो है सामाजिक जीवन की परिस्थितियां है जिसके अभाव में सामान्यता कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता, ये किसने कहा था। अब देखिए यहाँ पे बात आ गई लॉस्की की, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा कि लॉस्की क्या कहते हैं कि अधिकार जो है सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यता कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता, ये आपकी किसने कहा था, लॉस्की द्वारा कहा गया था। अगर लॉस्की की बात की जाए तो लॉस्की की एक इंपॉर्टेंट बुक है जो आपकी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और इसी में इसमें ये वर्णन आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है लॉस्की यहां तक कहता है कि बिना समानता के स्वतंत्रता कैसी है, बिना समानता के स्वतंत्रता आपकी खोखली है, यानी कि बिना समानता के स्वतंत्रता खोखली बन जाएगी और स्वतंत्रता के बिना जो समानता निरर्थक हो जाएगी, इस बात का भी किसने जो है जोर दिया था, आपके लॉस्की द्वारा किया गया था। अब खोखली स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये कुछ और एक और बात भी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, इसको रिलेट करके बताऊंगा कि देखिए लॉस्की क्या कहता है खोखली स्वतंत्रता के बारे में और कोई और व्यक्ति है वो आपके क्या कहता है, साथ साथ आपको जो इसको मिल जाएगा, अभी हम इसमें जो बने रहते हैं। इसके अलावा जो लॉस्की क्या कहते हैं, लॉस्की कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी शक्तियों का उपयोग है उसको करने का यथाशक्ति समान अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ये किसका मानना है, तो लॉस्की का ये मानना है, ठीक है। आगे चलेंगे, मार्क्सवाद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मार्क्सवाद की थोड़ी हमने पहले बात कर ली, थोड़ी बात अब कर लेंगे एक साथ, ज़्यादा मैं तब नहीं बता रहा हूँ ताकि जो चीज़ें आपको जो याद करने में प्रॉब्लम ना हो, कुछ बात हमने मार्क्सवाद की पहले कर ली तो कुछ हम अब करेंगे। तो मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता था, क्या स्थापित करना चाहता, ये तो हमने पहले कह दिया कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है, ये मार्क्सवाद किसने दिया था, दो व्यक्ति थे, एक मार्क्स और उनके एक फ्रेंड थे एंजल्स, इंपॉर्टेंट है आपके पास, तो ये दोनों थे, इनके द्वारा स्थापित जो क्या करना चाह रहे थे मार्क्सवाद, जो क्या स्थापित करना चाहता, मार्क्सवादी विचारधारा क्या स्थापित करना चाहती थी, तो ये चाहती थी कि शोषणहीन वर्गहीन समाज आपके देखने को मिले, तो ये आपका स्थापित करने का इनका उद्देश्य था। और मार्क्सवाद की अगर बात करें तो मार्क्सवाद जो है राज्य को शोषण का एक यंत्र मानते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मार्क्सवाद ने राज्य को क्या है, शोषण का यंत्र माना है, एक चीज। दूसरी चीज ये तो आपका ऑलरेडी हो गया कि वो आपके पास कैसी है, शोषणहीन राज्य विहीन, और इसके अलावा समाज की जो है स्थापना करना चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें खराब खत्म हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा, कि जब वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी तो आपके पास फिर क्या है, राज्य जो है, राज्य अपने आप आपके लुप्त हो जाएगा। तो ऐसा किसका मानना था, ये आपके मार्क्सवाद का मानना था। आज तक के जितने भी आपके समाज का इतिहास रहा वो हमेशा वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा, ये किसके अनुसार ऐसा कहा गया, तो मार्क्सवाद के अनुसार ऐसा कहा गया। और मार्क्स और एंजल्स ने जो है किस में ये कहा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनकी एक रचना है दोनों की जो आपके कहाँ पे देखने को मिली, 1849, इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अगर पूछा जाए किसकी आपकी रचना है, तो मार्क्स और एंजल ने ये आपकी लिखी है, तो हालांकि इसको एंजल्स ने आगे बढ़ाया था, मार्क्स उसके बाद आपकी जिनकी डेथ हो गई थी, तो 1849 की ये बात है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसमें इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि आज तक के सारे समाज का जो इतिहास है वो हमेशा वर्ग संघर्षों का जो इतिहास रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि जो कैसा आपके समाज हो, शोषणहीन और वर्गहीन समाज की ये स्थापना करना चाहते हैं। तो इन्हीं का मानना था कि अगर वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी तो राज्य जो है लुप्त हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, किसने कहा था, मार्क्स ने ऐसा कहा था कि राज्य क्या है, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, इसीलिए इसको जो है आपके खत्म करने की बात करते हैं। और मार्क्स ने जो अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैंने ऑलरेडी बता दिया, राज्य को क्या है, पूंजीपाती वर्ग का जो है कल्याणकारी समिति कहा था, तो ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न क्या एग्जाम में देखा गया था, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि आपके पास जो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है,
ये किसके अनुसार ऐसा है? तो ये आपके हीगल ने ऐसा कहा था कि आपके पास राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का जो है रूप है, किसके अनुसार? हीगल के अनुसार। और हीगल की जो है किस बुक से यह देखने को मिलता है? तो हीगल की एक बुक है द फिलोसफी ऑफ राइट्स, वहां से ये आपके तथ्य लिया गया है। एक चीज आपने याद रखनी है, ये चीज आपकी होगी। दूसरी जो है हीगल में इसको क्यों लेके आया मार्क्स में, हीगल ने जो एक द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया था वही द्वंद्ववाद को जो है आपके मार्क्स ने आगे अपनाया है। इसके विषय में किसी और वीडियो में बात करेंगे, काफी जो आपके इंपॉर्टेंट है ये वाला। भौतिक इसमें देखेंगे आपके पास भौतिक क्या है, यांत्रिक क्या है, ये आपके पास भौतिक और यांत्रिक की दोनों की बात करेंगे, जो आपके किसने अपनाया था, मार्क्स ने अपनाया था। तो कहां से जो ये द्वंद्वात्मक पत्नी ली थी, तो हीगल से ही आपकी ली गई थी। तो इसको हम देखेंगे किसी और वीडियो में। वापस आते हैं कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड हम चल रहे थे, लेकिन कार्ल मार्क्स का कहीं ना कहीं जो है रिलेशन किससे था, हीगल से था, क्योंकि हीगल से जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और यहाँ से द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत जो है मार्क्स द्वारा इससे लिया गया था। इस कारण जो मैंने हीगल को बीच में यहाँ पे इंक्लूड किया और उनकी जो बुक है फिलोसफी ऑफ राइट्स, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, उससे देखने को मिलता है कि राज्य जो है ईश्वर पर, राज्य जो क्या है पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है। किसने ऐसा कहा था? तो आपके पास किसने कहा था? हीगल द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आपके पास कार्ल मार्क्स और एंजल्स द्वारा जो प्रतिपादित समाजवादी जो विचारधारा को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है और मार्क्सवाद यहाँ पे कहा जाता है। वैज्ञानिक कहने का तात्पर्य क्या है, ये बात आप समझ लीजिए। वैज्ञानिक कहने का तात्पर्य यह था कि यह इतिहास के अध्ययन पर आधारित और ऐतिहासिक विकास की आवश्यक सृष्टि है, इसी कारण जिसको क्या कहा गया, वैज्ञानिक समाजवाद आपके कहा गया। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे क्या रहेगी, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड और एंजल्स से रिलेटेड क्या रहेगी, यानी कि समाजवादी विचारधारा से क्या रहेगी, कि यह पूंजीवाद के कुपरिणामों पर नहीं वरन पूंजीवादी प्रणाली पर आक्रमण करता है। क्या करता है, कौन सा, जो आपके कार्ल मार्क्स का जो है आपके पास वैज्ञानिक जो समाजवाद है, ये क्या करता है, यह पूंजीवादी जो आपके पास कुपरिणामों पर नहीं बल्कि आपकी पूंजीवादी जो प्रणाली पर ही आक्रमण करता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, उदारवाद की हमने बात की थी, तो उदारवाद के पिता कौन कहे जाते हैं, आपके लॉक कहे जाते हैं। उदारवाद के बारे में हमने बात की, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक उदारवाद के अग्रदूत आपके माने जाते हैं, ये इसी तरह से मैंने नोट्स बनाया है। क्यों बनाया है, पहले कुछ चीज़ें हो चुकी है, बाद में उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट नए नए ऐड होंगे, नए नए दार्शनिक उससे रिलेटेड आपके जुड़ने लगेंगे, जिससे क्या है कि चीज़ों को आप एक साथ जो है जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। उदारवाद पहले बता दिया, आपको उदारवाद का पता लग गया। अब आधुनिक उदारवाद देखिए कि आधुनिक उदारवाद के जनक कौन है। आधुनिक उदारवाद कहिए या कह लीजिए इसको सकारात्मक उदारवाद, दोनों एक ही बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक उदारवाद के अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ग्रीन, TH ग्रीन इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि सकारात्मक उदारवाद किसे कहा जाता है या आधुनिक उदारवाद का दूसरा नाम क्या है, सकारात्मक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद को ही सकारात्मक उदारवाद आपके कहा जाता है। तो कौन इसके अग्रदूत माने जाते हैं, तो माने जाते हैं आपके पास TH ग्रीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ये चीज आप थोड़ी सी इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो क्या आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपके पास इसमें जो ग्रीन है, ग्रीन ने जो है TH ग्रीन ने तीन जो है बड़ी बुराइयों की ओर जो है बल दिया है। कौन कौन सी बुराइयां, अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो TH ग्रीन ने तीन बड़ी बुराइयों के ऊपर क्या किया, अनुमत आपके बल दिया, और इस प्रकार कल्याणकारी राज्य का जो विचार है उसका पूर्वाभास किसके द्वारा दिया गया था, TH ग्रीन द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। आगे देखिए, आगे इसमें आपके पास सकारात्मक उदारवाद हो गया। आगे देखिए, इसमें दो तरह से डिवाइड आपके देखने को मिलता है, एक परमवादी जो आपके पास परंपरावादी उदारवाद और एक आपके पास सकारात्मक उदारवाद। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर कि आधुनिक जो उदारवाद है उसको क्या कहा जाता है, सकारात्मक उदारवाद। अब जैसे परंपरावादी आपके उदारवाद है, परंपरागत जो आपके चल रहा है, परंपरावादी उदारवाद को जो क्या कहा जाता है, नकारात्मक उदारवाद। तो आपने देखना कि नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद, तो इसमें क्या कहा गया कि नकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में बदलने का जो श्रेय जो किसे प्रदान किया जाता है, TH ग्रीन को प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नकारात्मक उदारवाद को जो है सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, TH ग्रीन को दिया जाता है। और इसको थोड़ा सा घुमा पर कैसे पूछा जा सकता है कि परंपरावादी जो उदारवाद चला आ रहा था उसको जो है सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद में बदलने का श्रेय किसे दिया जाता है, TH ग्रीन को यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बात की जाए TH ग्रीन, तो TH ग्रीन ने जो ये कहा था कि स्वतंत्रता जो है उस कार्य को करने अथवा उपयोग करने की सकारात्मक शक्ति है जो कि करने या फिर उपयोग करने योग्य है। तो ये भी किसने कहा था, तो ये भी आपके जो है TH ग्रीन ने कहा था। सो बात की एक बात कि उदारवाद के प्रत्यवादी संशोधन का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो आपके ग्रीन द्वारा किया गया था।
ठीक है, इतना आपको आई होप क्लियर हो जाए। अब द्वंद्ववाद की थोड़ी सी बात करते हैं कि द्वंद्ववाद द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है उसकी आलोचना के कुछ एक बिंदु आपके कई बार पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि हीगल ने जो है द्वंद्ववाद कहाँ से, जो आपके हीगल का जो द्वंद्ववाद है इसको एडॉप्ट किया था मार्क्स ने, तो इसको दो भागों में आगे डिवाइड किया था, एक आपके यांत्रिक है एक आपके भौतिक है। तो इसमें हम बात करेंगे भौतिकी द्वंद्ववाद जो भौतिकवाद है उसकी आलोचना के कुछ एक बिंदु देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या बिंदु है मार्क्सवाद के जो द्वंद्ववाद का भौतिक तौर पर जो आलोचना की जाती है किस आधार पर की जाती है, कि द्वंद्ववाद एवं ऐतिहासिक बोधवाद अत्यंत आपके जो स्पष्ट है इंपॉर्टेंट एक इस बात के ऊपर आपकी जो आलोचना की जाती है। दूसरा तथ्य क्या है, दूसरा आपके पास कि मार्क्स ने इन सिद्धांतों को आध्यात्मिक तत्वों के महत्व को जो है नज़रअंदाज किया, जिसे जो है उचित नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से इसकी आलोचना की जा सकती है। हालांकि पॉपर ने जो है द्वंद्ववाद को जो है स्वयं में विरोधी अवधारणा माना है, तो इस बात पर भी आपकी जो है इसमें आलोचना की जाती है। और पूर्व आर्थिक समानता असंभव है, इस बात पर जो है मार्क्सवाद के द्वंद्ववाद भौतिकवाद की आलोचना की जाती है। आगे चलते हैं, मुसोलिनी के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो मुसोलिनी का जो व्यवहारवादी दर्शन है वो किस पर आधारित था, अवसरवादी आपकी ये था। और मुसोलिनी ने क्या कहा था फासीवाद के विषय में, फासीवाद के विषय में मुसोलिनी ने क्या कहा था कि फासीवाद जो है पहले से तैयार किए गए सिद्धांत का स्तनपान करने वाला बच्चा ना था, उसका जन्म जो है कैसे हुआ है कर्म की आवश्यकताओं से हुआ है। तो ये किसका मानना था, मुसोलिनी का, और फासीवाद से संबंधित है जो कि हमने पहले आपके पढ़ लिया है। इसके अलावा राज्य के बाहर कुछ नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये भी किसने कहा था, मुसोलिनी ने कहा था, फासीवाद से रिलेटेड आपका है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे चलेंगे, आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ग्रीन के बारे में हमने बात की थी, ग्रीन के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ग्रीन से आपके प्रश्न बनते हैं। टीएच ग्रीन ने सकारात्मक दिया था, इंपॉर्टेंट है, नकारात्मक सकारात्मक ही हो रहा था। इसके अलावा जो ग्रीन ने क्या कहा, ग्रीन की जो सामान्य इच्छा है उसका आशय क्या है, ये प्रश्न आपके पूछा गया। तो ग्रीन की जो सामान्य इच्छा है, हालांकि सामान्य इच्छा किसने दी थी आपके रूसो की भी है, तो ये फैक्ट आपने साथ साथ है, सामान्य इच्छा में रूसो क्या कहता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लेकिन ग्रीन की सामान्य इच्छा का आशय क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो राज्य के लिए इच्छा ना कि राज्य की आपकी इच्छा, इंपॉर्टेंट। तो ग्रीन का क्या मानना है कि राज्य के लिए इच्छा ना कि राज्य की इच्छा, ये किसका मानना है, ग्रीन का मानना है। और ये ग्रीन की क्या है, सामान्य इच्छा है। और ग्रीन ने जो आदर्श राज्य की परिभाषा में इन शब्दों में दी थी कि राज्य जो एक ऐसी संस्था है जिसका ध्येय क्या है, सामान्य हित को बढ़ावा देना है, जो कि बात क्या करता है आपकी जो रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो भी क्या कहती है कि सामान्य हित की इच्छा ही आपकी रूसो की सामान्य इच्छा है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका ध्येय क्या है, सामान्य हित को बढ़ावा देना है। हालांकि बार्कर के शब्दों में, जो बार्कर ने जो ग्रीन की इस स्टेटमेंट के बाद क्या कहा, बार्कर का मानना था कि ग्रीन एक जो कल्पनाशील आपके आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी आपके थे। और इसके अलावा अब बात की जाए आपके पास तो कल्याणकारी राज्य की जो आधुनिक जो है अवधारणा है इसके अग्रदूत भी आपके कौन माने जाते हैं, तो ग्रीन माने जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा दिया कि सकारात्मक उदारवाद की और आपके और लेकर आए थे आपके टीएच ग्रीन, तो ये आपके थोड़ा सा इस तरह से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। किससे जो है संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किसे जो है संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, ये रूसो को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। तो रूसो क्या मानता है, रूसो मानता है कि सामाजिक जो अनुबंधन से जो है जिस राज्य की उद्भावना होती है सर्वोच्च सत्ता उसी में निहित होती है, ऐसा किसका मानना है, रूसो का मानना है। और रूसो की जो सामान्य इच्छा की अवधारणा है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था पहले भी आपको, तो वो आपकी कौन सी है, तो ये आपकी मानी जाती है गुणात्मक अवधारणा, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। थोड़ा सा ये सेशन बोरिंग हो सकता है क्योंकि इसको पढ़ने का और तरीका है नहीं फिलहाल, तो यही है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। और नॉन स्टॉप मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको चीज़ें याद भी रहे, रिलेट भी अपनी ओर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ज़्यादा मैं स्लो बोलूँगा तो क्योंकि बोरिंग ऑलरेडी है तो फिर आप सो भी सकते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल ये मेरा पहला लेक्चर रहेगा, तो कुछ इस तरह के नोट्स है तो उसको डिलीवर मैं कर रहा हूँ। बाकी जो है अगर आपको लगेगा कि हाँ इस मेथड से आप चीज़ें याद रख सकते हैं, रिवीजन आप कर सकते हो, तो बेशक इसके लिए अलग अलग पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा। पहला मेथड ये वन लाइनर के साथ है, दूसरा आपके जो है पूरा रहेगा, एक प्लेटो के बारे में तो पूरा प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, अरस्तु के बारे में अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, आपके जो है इसमें थॉमसोव है, आपके पास लॉक है, लॉस्की है, इस तरह के जितने भी आपके दार्शनिक इन सब के बारे में अलग अलग भी पढ़ा जा सकता है, तो वो भी एक मेथड मैं यूज़ करूँगा, इसके बाद देखते हैं। अभी आगे चलते हैं,
प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न था कि किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य क्या है वो सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, तो किसने दिया था, तो कांट ने किया था। इंपॉर्टेंट नाम है। अगर मैं बात करूँ आपके कांट की, तो जर्मनी के इमैनुअल जो कांट है उनको जो आधुनिक आदर्शवाद का पिता माना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक जो आपके पास आदर्शवाद है उसका पिता किसे माना जाता है, तो उसका पिता माना जाता है आपके पास जर्मनी के जो इमैनुअल कांट आपके है, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। उनकी जो है मान्यता है, देखिए क्या मान्यता है, मान्यता है कि राज्य क्या है, राज्य सर्वशक्तिमान है, त्रुटिहीन तथा सार रूप में ईश्वरीय संघ है, और सारी सत्ता कहाँ पे है, सारी सत्ता ईश्वर की होती है, और उसकी सत्ता का आज्ञा पालन करना पवित्र कर्तव्य है, चाहे उसकी सत्ता अवैध हो या फिर आप कह लीजिए कि किसी अपहर्ता के पास हो। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और कांट ने जो रूसे के जो आपके पास सामान्य संकल्प है इसके सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंधन के जो नैतिक महत्व को जो है अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित भी किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जॉन लॉक उदारवाद के जो पिता आपके माने जाते हैं, और एक तथ्य इनके ले लेते हैं। तथ्य क्या है इनके, तथ्य आपके पास कि किसने कहा कि राज्य संपत्ति को जो है उत्पन्न नहीं करता अपितु जो है स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, किसने कहा कि राज्य जो है संपत्ति को जो उत्पन्न नहीं करता अपितु जो है स्वयं उसका निर्माण करता है, तो ये किसका मानना था, तो ये आपके जो किसका मानना था, लॉक का ये मानना था। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये रहेगा। आगे चलेंगे, आगे आपके पास लॉक से संबंधित क्या क्या चीजें है कि लॉक ने जो है जीवन स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लॉक जो है आपके अधिकार जो लोक ने दिए थे, प्राकृतिक अधिकार जो लोक के द्वारा दिए गए थे, कौन कौन से अधिकार थे, तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। तो तीन प्राकृतिक अधिकार किसके द्वारा दिए गए थे, लोक द्वारा दिए गए थे, और लोक के अनुसार जो है मनुष्य को जो है अपने शरीर का जो है स्वामित्व प्राप्त होता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तीन तरह के अधिकारों की बात किसने की, लोक ने की है, और लोक को जो उदारवाद का जो जनक भी माना जाता है। तो प्राकृतिक अधिकार आपकी कौन कौन से, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगे जो है लोक का क्या मानना है कि प्राकृतिक जो संसाधनों के साथ जो है अगर जो है अपना श्रम मिला दिया जाए तो जो कुछ उसमें अर्जित किया जाता है वह उसकी निजी संपत्ति बन जाता है, तो ऐसा किसका मानना है, तो ये आपके पास लोक का मानना है कि जितने भी प्राकृतिक साधन हैं उन साधनों में जो क्या करना है, आपको अपना श्रम मिलाना है, और श्रम मिलाने के बाद जो है आप जो कुछ भी अर्जित करते हैं उसके ऊपर जो आपका निजी संपत्ति वो आपकी बन जाती है, तो ऐसा मानना भी आपके किसका है, तो जॉन लॉक का ये मानना है। आगे चलेंगे, आगे आपके अरस्तु के बारे में एक तो लाइन देख लेते हैं कि राज्य उसी प्रकार व्यक्ति से पूर्व है जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंश से पूर्व है। ये किसने लिखा था, एक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अरस्तु की। अरस्तु की अगर बात की जाए तो अरस्तु राज्य को जो महत्व की दृष्टि से जो है व्यक्ति से प्रथम या पूर्ववर्ती बताता है। तो पहली बात कि अरस्तु क्या है, अरस्तु राज्य को जो महत्व की दृष्टि से व्यक्ति से प्रथम या पूर्ववर्ती ये बताता है। इसी कारण जो है आप इसको समझ सकते हैं कि किसके द्वारा ये लिखा होगा कि राज्य उसी प्रकार व्यक्ति से पूर्व है जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंश से पूर्व है, तो किसने कहा था, आपके अरस्तु द्वारा ये कहा गया था। रूसो की हम बात करते हैं, रूसो की हमने समान नेचर की बात की, तो रूसो से संबंधित एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है कि किसने जो है कहा कि व्यक्ति, वह व्यक्ति, देखिए एक स्टेटमेंट है, ये प्रश्न क्या है कि किसने कहा कि वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम जो भूमि के टुकड़े पर जो है अपना अधिकार किया और अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है और वह ही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है। तो नागरिक समाज का जो वास्तविक संस्थापक है, रूसो किसे मानता है, उस व्यक्ति को मानता है जिस व्यक्ति ने जो सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर जो है अपना जो है अधिकार जमाया और कहा कि ये मेरा है, और जो है लोग भी उस समय ऐसे थे कि उन्होंने जो उसकी बात का जो है विश्वास कर लिया और मान लिया कि हाँ ये उसी का है। तो ये किसकी स्टेटमेंट है, ये रूसो की स्टेटमेंट है। और रूसो जो है व्यक्ति को कैसा मानता है, रूसो व्यक्ति को भद्र पशु के समान मानता है, यानी कि नोवल सेवेज की जो संज्ञा है वो व्यक्ति को किसने दी थी, रूसो द्वारा दी गई थी। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, और वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्रकृति का जो शिशु है किसे माना जाता है, रूसो को माना जाता है। किसने कहा था, ये मैक्सी द्वारा कहा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखने। इससे रिलेटेड और क्या है रूसो से रिलेटेड, कि रूसो जो है सभ्यता और संस्कृति के विकास के परिणाम स्वरूप मानव में संपत्ति का विचार जो आया और जो तेरे मेरे का जो भाव का उदय हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। किसने ये कहा था कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के परिणाम स्वरूप मानव में संपत्ति का विचार आया और तेरे मेरे की जो भावना का उदय हुआ, तो कौन कहता है, रूसो जी आपके ये कहते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास है इसमें जेएस मिल से संबंधित थोड़े से और फैक्ट देखेंगे, क्योंकि जेएस मिल और आपकी बेंथम को मैंने पहले भी लिया था और थोड़ा सा इनको और थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं, थोड़ी सी और चीज़ें समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जेएस मिल का क्या मानना है, जेएस मिल की हमने पहले बात की कि जेएस मिल ने क्या किया, बेंथम ने जो सुखवादी जो आपके सुख दुख का जो सिद्धांत दिया था उसमें जो इसने मात्रात्मक के साथ गुणात्मक अंतर भी किया था, और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि असंतुष्ट जो मानव है, असंतुष्ट मानव जो क्या है, संतुष्ट सुअर की अपेक्षा अच्छा है, अर्थात इसको कह लीजिए कि असंतुष्ट शुक्राज जो है पूर्णतः संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसका मानना है कि कोई भी एक जो असंतुष्ट व्यक्ति है वो आपके श्रेष्ठ होता है बजाय कि किसी मूर्ख संतुष्ट के। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये किसकी स्टेटमेंट थी, जेएस मिल ने ये लिखा है, और जेएस मिल की किस बुक में ये देखने को मिलता है, ऑन लिबर्टी। जेएस मिल की जो बुक है कौन सी है, ऑन लिबर्टी। अगर आपसे पूछा जाए ऑन लिबर्टी किसकी बुक है, तो जेएस मिल की बुक है। और जेएस मिल को जो क्यों आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने जो उपयोगितावाद में, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था बेंथम द्वारा, इसमें जो इसने क्या किया, इसमें संशोधन किया, और संशोधन करके जो इसने मात्रात्मक जो आपके सुख दुख का जो सिद्धांत था, मात्रात्मक जो दिया था, जो राजनीतिक तौर पे आपके जो देखने को मिलता है उसमें जो इसने क्या किया, गुणात्मक अंतर किया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो बेंथम ने क्या है, बेंथम ने सिर्फ मात्रात्मक अंतर किया था सुख दुख के सिद्धांत के अंदर, लेकिन इसमें मात्रात्मक के साथ इसने गुणात्मक भी जोड़ दिया। तो उपयोगिता में जो है गुणात्मक अंतर भी करता है, कौन करता है, तो जेएस मिल आपकी करता है। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलेंगे, आगे आप इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, आपके पास कौन सा जो है अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है, तो कौन सा अधिकारों का जो है सबसे पुराना सिद्धांत है, जर्मी बेंथम की ही हम बात करेंगे, क्योंकि बेंथम जो यहाँ पे है, बेंथम कौन है, बेंथम वही है जिसके जो है आपके जो अभी मैंने हमने बात की, क्या बात की, सुखवादी जो आपके पास सिद्धांत है, उपयोगितावाद से आपके संबंधित है बेंथम, और बेंथम जो है बेंथम के ही इसमें जो है आपके संशोधन जो किया उपयोगितावाद में, किसने किया, जेएस मिल ने। अब बेंथम से संबंधित क्या है, बेंथम जो है जो लोक के जो प्राकृतिक अधिकार है उनको क्या कहता है, बेंथम, बेंथम कहता है कि प्राकृतिक अधिकार को जो सिद्धांत है उसकी निंदा करते हुए उसने कहा का इन्हें अहंकारिक जो है, अलंकारिक जो है बकवास इसको कहा था। इंपॉर्टेंट है तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। बाकी स्वतंत्रता का जो है सबसे पुराना जो सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों का, वो किसके द्वारा दिया गया था, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो कौन सा है, ये आपके पास क्या है, सबसे पुराना सिद्धांत आपके है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। ध्यात्य क्या है, ध्यात्य है कि जर्मी बेंथम जो प्राकृतिक अधिकारों को जो है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को जो क्या मानते हैं, ये अलंकारिक जो है बकवास इसने कहा था। इंपॉर्टेंट है, आगे चलेंगे। आगे जो है विवरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, देखिए वितरणात्मक की बात की गई है, तो कौन था इसका प्रतिपादक, तो आपके अरस्तु थे। अरस्तु का जो मानना था कि वितरणात्मक जो न्याय का जो अर्थ है वो क्या है, राज्य की ओर से अपने पदों, उपाधियों और पुरस्कार तथा वितरण नागरिकों की योग्यता और गुण के अनुपात में जो है किया जाना चाहिए, ऐसा मानना था आपके अरस्तु का। इंपॉर्टेंट इस तरह के आपके जो है बहुत सारे हैं, तो अभी तो ये सिर्फ आपके 5% भी नहीं हुआ है, लेकिन एक से दो और देख लेते हैं, बाकी उसके बाद इसको जो है कर देंगे आज की वीडियो को खत्म। हो सकता है कि आप भी जो परेशान हो गए हो, ऐसा पॉसिबल है। चलिए आगे देखेंगे, आगे आपके पास इसमें है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि आत्मरक्षा को जो व्यक्ति का मूल अधिकार जो कौन मानता है, हॉब्स मानते हैं, और अगर हॉब्स की बात की जाए तो हॉब्स के अनुसार क्या है, मनुष्य अपने जीवन की रक्षा का जो प्राकृतिक अधिकार है समझौते के बाद भी सुरक्षित रखता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, हॉब्स पहला विचारक था जिसने जो है राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में निरंकुशवाद और धर्म निरपेक्षता के लिए जो है क्या किया, वैज्ञानिक आधार पर इसको जो है तैयार किया था। ये आपसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा जो है किसने जो रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है कि किसने जो है रात्रि प्रहरी राज्य की जो है अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो किसने की थी, रॉबर्ट नॉजिक। तो नॉजिक से भी आपके कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। इनकी जो एक पुस्तक है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पुस्तक का क्या नाम है, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इंपॉर्टेंट है, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी रॉबर्ट नॉजिक की है। और नॉजिक ने जो है क्या किया, नॉजिक केवल जो है न्यूनतम राज्य शक्ति के प्रयोग को जो है उचित ठहराता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ी सी बात करेंगे जॉन रॉल्स, क्योंकि जॉन रॉल्स भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं।
जॉन रोल्स क्या है, जॉन रोल्स ने जो है एक पुस्तक लिखी, तो क्या नाम था उस पुस्तक का, काफ़ी ज़्यादा फेमस आपकी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस आपकी किसकी पुस्तक है, जॉन रोल्स की पुस्तक है। कब लिखी गई थी, 1972 में ये लिखी गई थी। इस पुस्तक का जो केंद्रभूत तर्क है वो क्या है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ उसी दशा में न्यायोचित मानी जाती है जब वे न्यूनतम संपन्न व्यक्तियों के हित में हो। तो ये किस में लिखा गया है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जो कि बुक है आपके पास जॉन रोल्स की। आगे चलेंगे, जॉन रोल्स ने अपनी विख्यात जो कृति है इसके अंतर्गत यह तर्क दिया कि उच्चतम समाज में जो है अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं और उसमें न्याय का स्थान हमेशा जो कैसा होगा, सर्वप्रथम होगा। तो ये इस बात का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे जो है एक तो और देख लेते हैं, मार्क्सवाद सिद्धांत के जो अनुसार है राज्य की उत्पत्ति हुई थी किसके लिए, तो उत्पादन के जो है शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु हुई थी। तो ऐसा किसका मानना है, मार्क्सवादी सिद्धांत का। ठीक है जी, आगे आपका देख लेते हैं, आपके पास सामाजिक समझौते के जो सिद्धांत के तीन प्रतिपादक आपने कोई बताने हैं, तो तीन कौन कौन से हैं, हॉब्स, लॉक और आपके रूसो। इंपॉर्टेंट रहेगा ये, आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने जो है राज्य में प्राकृतिक अवस्था के जो है अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया, तो किसने ये स्वीकार किया था, लॉक ने स्वीकार किया था। हालांकि इसके जो प्राकृतिक अधिकार है इसको जो है आपके बेंथम जो इसको अलंकारिक जो है बकवास तक यहाँ पे कह चुके हैं, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बाकी इसमें बहुत से और चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी होगा। अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे आपका क्विक रिवीजन हुआ है क्योंकि पहली वीडियो है, तो उम्मीद रहेगी सभी से जो आपके पास एस्पिरेंट्स जितने हैं, चाहे आपके पास यूजीसी नेट वाले हैं, चाहे आपके पास पीजीटी वाले हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस मेथड से आपको लर्न करना ईजी है या फिर समझना ईजी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि प्रिपरेशन करें यूजीसी नेट की, और बात की जाए पीजीटी की, तो आप जो इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। जितने ज़्यादा इसके अंदर कमेंट्स आपके देखने को मिलेंगे, अगर अप्रिशिएट किया जाता है, तो बेशक जो है इसको मैं कंप्लीट आपके करवा दूंगा। बाकी मिलते हैं क्लासेस में, इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो है आप मेरे साथ चाहे तो बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।